हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, एक और वीडियो के साथ हम लोग प्रेजेंट हुए हैं सेक्टर एनालिसिस विद शिवांश भसीन के साथ। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी गाइस, वो हमने 24-25 दिसंबर के आसपास बनाई थी, जो कि एक स्टॉक था HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। सो गाइस, अभी हम जो सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं वो ऑयल एंड गैस का कर रहे हैं, और उस पर हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो कि दूसरा स्टॉक, दूसरी कंपनी है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, GSPL। सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछले हमने जो इस सीरीज में जो हमारा पहला स्टॉक था उस पर हम बेसिकली पूरा टेक्निकल्स पे गए थे। सो गाइज, मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे कि आप फंडामेंटल्स भी बताइए, साइड बाय साइड टेक्निकल्स भी बताइए एक कंपनी के। तो गाइज, इसी के साथ मैं दोनों चीजें लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, और इस पे आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल्स भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टेक्निकल्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है चार्ट पे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, स्क्रीन पे विजिबल है। सो गाइज, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है, ये सीरीज इसलिए स्टार्ट करी है, हम आपको बता देते हैं कि गाइज, ऑयल एंड गैस हमें पता होता है कि हमें कौन से सेक्टर पे पैसा लगाना है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन से सेक्टर के पर्टिकुलरली स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म जो हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है, क्या वो एक्चुअल में बढ़िया है, तो उसके हिसाब से। और एक सेक्टर के अंदर 20 से 30 कंपनियां होती हैं, तो कौन सी कंपनी में पैसा लगाए, तो उसी के हिसाब से आप लोगों की जो हमने देखी थी, आप लोग हमें बता रहे थे कि एक ऐसी सेक्टर एनालिसिस वीडियो लेकर आई है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस पे 20-25 स्टॉक्स के बारे में हम वीडियो नहीं बनाएंगे सेक्टर के अंदर, सिर्फ गिने चुने 2 या 3 स्टॉक्स हम आपके लिए चुनेंगे उस सेक्टर में से, जो फंडामेंटली और टेक्निकली लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, या कुछ परसेंट आपको कमा के दे सकती है। सो ये हमारी दूसरी वीडियो है गाइस, पहली वीडियो को जाके जरूर वॉच करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये पूरी सीरीज अगर आपको पसंद आती है, वीडियो आखिरी तक पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा जो सब्सक्राइब बटन के साथ होगा, कि ये सीरीज की जो भी वीडियोज आती रही सबसे पहले आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाए और आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली वीडियो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HOEC ये थंबनेल है, ये वीडियो हमने सबसे पहले बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि ये जब हमने वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो हमने जब बनाई थी तो हमने 24 दिसंबर को बनाई थी, और ये जो स्टॉक था जो हमने रिकमेंड करा था वो गाइस 83 रुपीज में रिकमेंड करा था। जिस दिन ये वीडियो बनी हुई आप जाके वहां देख सकते हैं, 83-84 के आसपास हमने ये HOEC स्टॉक को रिकमेंड करा है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है गाइस, इसका करंट मार्केट प्राइस है 100.90 पैसा। हाँ गाइस, 103 रुपये का ये फ्राइडे को हाई लगा के आई है, और 103 रुपये का हाई लगाई और 83 रुपीज में सजेस्ट करा था आपको, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये 20 रुपये भाग चुकी है। तो 20 रुपये के हिसाब से इसने 3 हफ्ते के अंदर 25 से 24% तक का रिटर्न दे चुकी है। हाँ गाइज, आप देख सकते हैं 24% रिटर्न दे चुकी है जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करी थी तब से लेकर अब तक। तो ये देख सकते हैं कि अगर आपने उस टाइम ये सीरीज हमारी स्टार्ट करी हो कि देखी होती, जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हमारे यूट्यूब पे हैं, उन लोगों ने देख के अगर इस पे स्टॉक को इन्वेस्ट करा होता, सो गाइज तब से लेकर अब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप 25% अर्न कर चुके होते आराम से। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 83 पे आपको सजेस्ट करा है, अगर आप इसका 52 वीक रेंज देखेंगे तो 52 वीक रेंज में हाई है 52 वीक 136, और इसका लो अगर आप देखेंगे तो 82.5 है, यानी कि हमने 52 वीक लो से ही आपको स्टॉक रिकमेंड कर दिया था 1-2 रुपये ऊपर, और आपको बाय की सलाह दे दी थी। सो गाइज, ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस और हमारा सेक्टर एनालिसिस, इसी के साथ हम आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। सो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो इस तरीके से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप हमारे चैनल को जाके विजिट करिए, आप ऊपर सर्च पे जाएंगे, अगर आप सर्च पे मेरा नाम डालेंगे शिवांश भसीन, मेरा चैनल शो कर जाएगा, जहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को ओपन करिए, जाके देखिए, बहुत सी वीडियोस मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बना रखी है, अरविंद बना रखी है, GNFC आप लोगों के लिए बनाई थी, GNFC ने 1-1.5 हफ्ते के अंदर हमें 15% तक का रिटर्न दे दिया है। तो गाइस जाके जरूर वॉच करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ जो मैंने बनाना शुरू करा था। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ, जो सबसे पहला स्टॉक था GSPL। तो अब हम बात करेंगे GSPL के बारे में।
तो जीएसपीएल गाइस गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड है। ये ज़्यादातर जो वर्क करती है गाइस, ये गैस सेक्टर में वर्क करती है। इसका पूरा जो मेन बिजनेस है एक तरीके से गैस बिजनेस में ही है, और ये बिजनेस गैस बिजनेस में ही काम करती है। सो गाइस, अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादातर जो गैस है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैस को ट्रांसपोर्ट करती है, डेवलप करती है और सप्लाई करती है। इसका जो मेन बिजनेस है वो सप्लाई से काम करता है। इसकी अगर हम सब्सिडरी की बात करेंगे तो वो जीएसपीसी है, जो कि गुजरात स्टेट पेट्रोनियम कॉरपोरेशन है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, स्टार्ट करा है कि जो डेवलपिंग एनर्जीज है, जो ये एनर्जी को डेवलप करती है, उसको हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू गुजरात में सप्लाई करेंगे, और नेचुरल गैस के थ्रू। सो गाइस, बहुत बढ़िया कंपनी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ से इसकी अपसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, सो गाइस, बिजनेस सेगमेंट भी इसका बहुत अच्छा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से इसका 80% बिजनेस सेगमेंट है, और इसका जो हम देख सकते हैं कि जो सेल्स है इसकी 83-84% सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें, यानी कि ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती है ये नेचुरल गैसेस को, और सिटी वाइज में अपने पूरे गुजरात के थ्रू, और ये अलग जगह भी जाके सप्लाईज करती है। सो और गैस ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो 16% इसकी सेल्स और हम उसके थ्रू कह सकते हैं। सो ये कंपनी का अगर हम बात करें, छोटा सा मैंने आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बता दिया है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के आगे के बारे में, तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिटर्न दिख रहा होगा, ये हमने स्टॉक वर्सेस सेंसेक्स का रिटर्न एक आपके लिए लेकर आए हैं। अगर हम बात करते हैं एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो रिटर्न है वो 0.08% है, और उसके मुकाबले सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 0.33% है। अगर हम बात करते हैं एक साल की, गाइस एक साल में आप देख सकते हैं किस तरीके से 40% रिटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक देती है, और सेंसेक्स देती है 15%। अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में ये 135%, 137% का रिटर्न देती है, और उसके मुकाबले सेंसेक्स भी उतना देती है। तो एग्जैक्ट सेंसेक्स के आसपास का ये पर्टिकुलर स्टॉक रिटर्न देती है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न के मामले में ये कंपनी है। अगर हम बढ़ते हैं इसके आगे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्वार्टर रिजल्ट्स लेकर आया हूँ, और क्वार्टर रिजल्ट्स पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स पे अगर हम सबसे पहले बढ़ते हैं, तो नेट सेल्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर पे हमने देखा है कि 24% का नेट सेल्स में इंक्रीज आया है। साइड बाय साइड अगर हम देखें कि इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट मार्केट से लेना था, जो दे रखा है, वो आप देख सकते हैं कि कम हुआ है, पॉजिटिव पे आया है। आप देख सकते हैं 47 से 43 आया है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम स्टैंड लोन प्रॉफिट देखें तो 120% क्वार्टर वाइज इंक्रीज हुआ है स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट, यानी कि 200 से 450 का हमने नेट प्रॉफिट देखा है, और ये फिगर्स गाइस करोड़ में है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कंपनी कर रही है। तो अगर हम अब इसके बढ़ते हैं आगे और बैलेंस शीट पे देखते हैं, तो बैलेंस शीट पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस शीट है। बोरिंग्स आप देख सकते हैं कि 15% बोरिंग्स जो मार्केट पे थी वो कम कर रखी है, तो एक बेटर बात है। और अगर आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमें 30 से 105 बढ़ते हुए दिख रही है, पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में गाइज हम देख सकते हैं कि बिजनेस का थोड़ा एक साल के अंदर अंदर का जो वर्क होता है वो लाइबिलिटीज में, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर 9,500 करोड़ था, और अब 98,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, तो कंपनी बहुत अच्छी कर रही है और फिक्स्ड एसेट्स भी इनके पास बहुत है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 17 से 18% तक का इसने इन्वेस्टमेंट इनकी है बैलेंस शीट में, और आप देख सकते हैं करंट एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी 17% तक पिछले क्वार्टर से ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो गाइज इनकी कंपनी में एसेट साइज में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एसेट साइज में है, और लाइबिलिटीज इनकी कम हो रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आता है, और जो एक फंडामेंटल कंपनी को ढूंढने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो गाइस कंपनीज नेट सेल्स में जितना में नेट सेल्स अच्छा दिखा रही हो, परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रही हो, पर अगर कैश अगर कंपनी को जनरेट नहीं हो रहा तो कंपनी किसी काम की नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 2015 से इन कंपनी के पास जो कैश इनफ्लो आता था एक साल का, ये गाइस ईयर ऑन ईयर है, तो 650 करोड़ का इनके पास कैश था, और वो बढ़ते 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 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि 2,050 करोड़ का इनके पास कैश अभी भी है, और यानी कि पिछले साल से 22% ज़्यादा कैश इनफ्लो हुआ है कंपनी को। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, कैश इन्फ्लो जनरेट कर रही है, और अपना जो कैश इन्फ्लो है वो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप जैसा देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ,
और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि एक प्रमोट गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रमोटर 38% है, जो कि सही है अगर हम एक हिसाब से मान के चले। एफआईआईज को अगर आप देखेंगे गाइस, तो 15% की एफआईआईज की होल्डिंग है, और पिछले क्वार्टर से आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ परसेंट इंक्रीज करे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स। अब आप देखिए म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड ने भी 18.5% की इनकी होल्डिंग्स है और उसको भी इंक्रीज करा है। डीआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मान के चले तो 27 से 28% तक की इनके पास भी होल्डिंग्स है। सो कंपनी की शेयर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, कोई प्लेज नहीं है, एक भी शेयर प्रोमोटर्स के थ्रू प्लेज नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन सी लोगों शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके 2.5 करोड़ शेयर्स ले रखे हैं। अगर हम SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड की बात करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया एडवांटेज फंड है, तो उनके पास भी 2.15 करोड़ के शेयर्स हैं। और मिराय एसेट, जो सबसे बेस्ट मुझे SIP के थ्रू ही अगर आप जाते हैं फंड, ये फंड है SIP के थ्रू, तो इनके पास भी गाइज 1.38 करोड़ के शेयर्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट और गवर्नमेंट बॉडीज के पास है, गुजरात GNFC के पास है, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। मल्टी बैगर स्टॉक है गाइज, हो सकता है ये जाके देख सकते हैं, 100% तक का रिटर्न दे सकती है, ये वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड्स ने भी इन पे इन्वेस्ट कर रखा है। सो ये कंपनी बहुत अच्छे कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंपनी को जरूर अपने रेडार में रखिएगा, फॉलो करिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इस कंपनी में या इस सेक्टर के अंदर कंपेयर करने की, सो गाइस इस सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है वो है गेल इस सेक्टर के अंदर। सो अगर हम गेल के थ्रू अगर इस कंपनी का कंपैरिजन करेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे हम कंपैरिजन करेंगे कि क्वालिटी वाइज कंपनी कैसी है, तो आप मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ 5 साल में, 5 साल का अगर एवरेज सेल्स ग्रोथ लेकर चले तो आप देख सकते हैं कि 55% का सेल ग्रोथ एवरेज है 5 साल का। उसके मुकाबले गेल जो लार्जेस्ट और नंबर वन कंपनी है गैस सेक्टर के अंदर या ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, उसका सिर्फ 5.5% है। अगर आप एबिटा देखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का ग्रोथ का देखेंगे, तो 22% है और उसके मुकाबले सिर्फ 2% है आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगर हम डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो बहुत कम है गेल का, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो इसका भी एवरेज करके GSPL का सेम है। अगर हम टैक्स डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं, तो गाइस डिविडेंड पे आउट 12% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है, उसके मुकाबले डिविडेंड पे आउट रेशियो गेल का 30% है, तो गेल का हम इसके मुकाबले मान सकते हैं कि सही है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर आप देखें तो 44% है और इसके मुकाबले 49% है। सो अगर हम एक तरीके से मानते हुए चलते हैं, तो ये कंपनी जो लार्जेस्ट कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, उसके मुकाबले ये फिफ्थ आती है GSPL इस सेक्टर में, टॉप 7 में ये फिफ्थ आती है गाइस, तब भी उसके मुकाबले ये बहुत बढ़िया की फैक्टर्स है। और अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सो ये कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो मेन मोटिव था मेरा ये आपको बताने के लिए, वो था बेसिकली चार्ट। ये कंपनी आप लोगों को मैंने बेसिकली चार्ट के ऊपर इसलिए बताई है क्योंकि चार्ट पे एक तरीके का ये वीकली चार्ट है गाइस, ये वीकली चार्ट है GSPL का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो पैटर्न बना है ये गाइस, ये पैटर्न बना है कप एंड हैंडल, ये पैटर्न है गाइस, आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बना है ये वीकली चार्ट के अंदर। अब आप देखिए गाइस, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत रेयर पैटर्न्स होते हैं और बहुत मुश्किल से बनते हैं, और अगर ये वीकली या मंथली चार्ट पे बनते हैं एक, आप देख सकते हैं ये अगर आप कप पे फोकस करेंगे ये, तो ये कप हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये कप हमें सजेस्ट कर रहा है कि गाइस ये इस लेवल से, यानी कि जो लेवल आ रहा है 230 रुपए का लेवल आ रहा है, और इसका जो बॉटम आ रहा है वो आ रहा है 140 रुपए का, यानी 150 रुपए का बॉटम आ रहा है, यानी कि 150 से लेके 230 तक इसने कंसोलिडेट करा, यानी कि 80 रुपए के रेंज में ये कंसोलिडेट करी, एक रेंज बनाई, उसके बाद उसने एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, ये जो आप ग्रीन बॉक्स में देख रहे हैं ये रिट्रेसमेंट दिया, और वहां से अब इसने एक यहां पर आप देख सकते हैं इस लेवल पे इसने जाके ब्रेकआउट दे दिया है। सो गाइज, ये कप एंड हैंडल पैटर्न होता है और ये बहुत रेयर पैटर्न होते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं, पर ये वीकली चार्ट पे बना है। तो अगर मैं इसका टारगेट फाइंड करना चाहूँ, सो गाइज अगर आप गूगल पे भी जाके स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टारगेट्स कैसे फाइंड होते हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो गाइज, इसका जो हाई है, जो कप का हाई है, वो कप का हाई क्या है, मैं इसके लिए ब्लॉक ओपन कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कप का जो हाई है वो गाइज है 230 का, जो कप का जो लो है ये लाइन आप देख रहे हैं वो है 150 का।
तो ये जो डिफरेंस है, जो हाई से लेके बॉटम तक का ये जो इसने कप बनाया है, ये जो रेंज बनाई है, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है गाइस अराउंड 80 रुपीज का। 80 रुपीज का डिफरेंस है, यानी कि जब वो इस लेवल को ब्रेक करेगी जो कि 230 का लेवल है, जैसे ही 230 के लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर निकलती है, वहां से हम +80 पॉइंट तक की रैली एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि उसको 310 में लेकर जा सकती है। यानी कि ये पैटर्न के हिसाब से हमें लगता है कि GSPL ये पर्टिकुलर स्टॉक 310 तक जा सकता है, जो कि कभी ट्रेड कर रहा है 236 पे। यहाँ पर आप देख सकते होंगे 236 पे ये ट्रेड कर रहा है। सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और आपको मैं अगर बताना चाहूँ MACD के थ्रू, तो MACD के थ्रू आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन है, रेड लाइन ये येलो लाइन के ऊपर निकल गई है, और ये एक बाय सिग्नल जनरेट कर दिया। बार भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं वीकली चार्ट के अंदर, तो ये एक बाय सिग्नल MACD के अंदर भी जनरेट हो चुका है। ये जो आप डाउन साइड देख रहे थे, ये जो आप देख रहे थे कि बार्स 0% बार के नीचे बना है, और आप देख रहे थे ये लेवल जिसके हम देख रहे थे कि ट्रेंड MACD लाइन जो थी वो नीचे काम कर रही थी, तो वो एक रेंज के रिट्रेसमेंट ले रही थी। जैसे रिट्रेसमेंट पूरा हुआ, एक यहाँ पर बाय का सिग्नल यहाँ पर हमें जनरेट हुआ है, और अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आ चुका है। सो इस स्टॉक को फॉलो करिए, हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, और यूट्यूब पे जाके हमारे जो तो हमने जो वीडियोस बना रखी है, वीडियोस को जरूर फॉलो करिए, और आप डेफिनेटली पैसा अर्न करेंगे। गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी, और जो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उस कमेंट सेक्शन में भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। गाइस जिन लोगों ने भी हमारी पिछली वीडियो देख रखी है इस सेक्टर एनालिस की, और उस स्टॉक पे पैसा लगाया था, और उस स्टॉक पे पैसा लगा के आपने अगर प्रॉफिट कमाया है, अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने उस स्टॉक में पैसा 83-85 के लेवल्स पे लगाया था, और आप अभी भी उसे होल्ड कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। गाइस इसकी जो अपसाइड है, अगर हम परसेंटेज पे बात करें, तो मुझे लगता है ये 33% तक का रिटर्न दे सकती है। उसने सिर्फ 3 हफ्ते में 25% का रिटर्न दे दिया, और टारगेट्स अभी भी हायर है, और ये मुझे लगता है कि 1-2-3 महीने के अंदर अंदर आपको 33% का रिटर्न दे सकती है। तो आप जरूर इस स्टॉक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं आपको अभी भी देना चाहूंगा गाइस, हमारी बाय पे सलाह और सेल पे सलाह नहीं है, हम सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहे हैं। अगर आप लोग लेते हैं और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो सारा प्रॉफिट आपका है, अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस भी आपका होगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।